हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट 10। इससे पहले हमने यूनिट 9 तक के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके आप यूनिट 9 तक वो सारी वीडियोस को कवर करिए और उसके बाद आप यूनिट 10 पर स्विच करिए। तो आपकी जो यूनिट 10 है वो क्या है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये जो यूनिट है ना, ये काफ़ी बड़ी यूनिट्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में पढ़ना होता है, काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। तो इसमें तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 10 में टोटल हमारे 10 सेक्शन है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हैबिटेट एंड नीच है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम, बायोजियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी। अब आप देख रहे हैं कि टोटल 10 जो सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 7 to 8 टॉपिक है। तो इस तरीके से अगर आपके 80 to 85 टॉपिक्स बन जाते हैं। अब इन सारे टॉपिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उनको रिवाइज करें, कैसे रिकॉल करें? तो मैंने आपको बताया कि हमें सारे टॉपिक्स तो पढ़ने भी नहीं है, हमें सबसे पहले उन टॉपिक्स को टारगेट करना है जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि हम यहाँ स्मार्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, दैट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक, तो उनको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे। और दूसरा हमें देखना है क्वेश्चन टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें पूछे जाते हैं। यदि आप पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, इसमें एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है जो हमारा, वो है मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में यहाँ पर मैंने टोटल 8 टॉपिक्स मेंशन करे हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। तो वो कौन कौन से, सबसे पहले इकोसिस्टम इकोलॉजी, जिसमें 52 क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी 27 क्वेश्चन। पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें आप ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ेंगे 26 क्वेश्चन। पॉपुलेशन इकोलॉजी लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी के बारे में 23 क्वेश्चन। कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसमें आप प्रेडेशन एंड म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे 23 क्वेश्चन। कंजर्वेशन इकोलॉजी 22 क्वेश्चन। कम्युनिटी इकोलॉजी 18 क्वेश्चन एंड बायोजियोग्राफी तो 17 क्वेश्चन। तो टोटल आपकी जो ये 8 टॉपिक हैं, इनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यदि प्रिपेयर कर चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए और रिकॉल कर लीजिए। सेकंड जो है वो है आपका लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक, ठीक। तो लेस, मीडियम या लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक हमें यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका अप्लाइड इकोलॉजी, जिसमें अभी तक 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहेवियर इकोलॉजी 13 क्वेश्चन। पॉपुलेशन इकोलॉजी 12 क्वेश्चन। कम्युनिटी इकोलॉजी 11 क्वेश्चन। हैबिटेट एंड नीच 9 क्वेश्चन। सक्सेशन इकोलॉजी 9 क्वेश्चन। एनवायरमेंट 5 क्वेश्चन एंड पॉपुलेशन रेगुलेशन 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 8 टॉपिक ये हैं और हमारे 8 टॉपिक जो थे वो हाई फ्रिक्वेंट टॉपिक थे। तो टोटल कितने आपके 16 टॉपिक बनते हैं। तो आपके ये 16 टॉपिक जो है सबसे पहले रिवाइज कर लेने, रिकॉल कर लेने, पहले तो प्रिपेयर करने हैं, फिर रिवाइज एंड रिकॉल करेंगे। तो प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। 16 टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। और यदि वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ होगी उसमें हम यूनिट 11 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, रिवाइज करो एंड रिकॉल करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।